गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपके लिए इस मीटिंग में दो मेथड्स और बत रहे थे ना, उनकी कुछ प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे और उन मेथड्स में एक तो था स्टर्लिंग और दूसरा था बेसल। तो इस स्टर्लिंग और बेसल की कुछ प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, आज ही आपका चैप्टर नंबर 4th है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपके लिए इंटीग्रेशन स्टार्ट होंगे, यानी आपके लिए कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा हो तो उसका इंटीग्रेशन किस टाइप से किया जाएगा ये आपको सॉल्व करवाएंगे। स्टर्लिंग फॉर्मूला, और ये जो स्टर्लिंग फॉर्मूला था वो है वाई यू इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू डेल वाई नॉट प्लस डेल वाई माइनस वन अपॉन टू प्लस यू स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू डेल स्क्वायर बाई माइनस वन प्लस यू स्क्वायर माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री डेल क्यूब माइनस वन डेल क्यूब बाई माइनस टू अपॉन टू प्लस यू स्क्वायर माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल फोर, साथ में है ये डेल फोर बाई माइनस टू। ओके, ये फॉर्मूला था आपके लिए। अब देखिए, इस पर डिपेंड एक प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम है आपके पास एग्जाम्पल 5th, ये दे रखा है आपके लिए एफ ऑफ 20 इज इक्वल टू 49225, सेकेंड एफ ऑफ 25 एफ ऑफ 25 इज इक्वल टू 48316, एफ ऑफ 30 इक्वल टू 47236, एफ ऑफ 35 इक्वल टू 45926 एंड एफ ऑफ 40 इक्वल टू 44306। ओके स्टूडेंट्स, आप इसकी डिफरेंस टेबल तैयार करेंगे। इसकी जो डिफरेंस टेबल होगी x फंक्शन ऑफ x, और ये है अपने लिए x की वैल्यू 20, 25, 30, 35 एंड 40। ओके, फंक्शन की वैल्यू है 20 पर 49225, 25 पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो दे रखी है आपके लिए 48316, यानी आपके लिए 25 पर जो वैल्यू है ना वो है 48316, 30 पे वैल्यू है 47236, नेक्स्ट है एफ 35 पर वैल्यू है 45926,
लास्ट है 40 पर 4, 4, 3, 0, 6। नेक्स्ट इसका जो डिफरेंस निकालेंगे, फर्स्ट डिफरेंस इसको माइनस करना है, यहाँ से माइनस करोगे जैसे ही तो ये नेगेटिव में बचेगा, और नेगेटिव में जो वैल्यू आएगी ना वो आएगी माइनस का 909। नेक्स्ट सेकंड निकालोगे तो ये बनेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे -1080। आपके पास आपको बताया कि कैलकुलेटर होगा ना, उसकी हेल्प से आपको सारी कैलकुलेशन करनी है। इसके बाद में आएगा ये माइनस का 1310 और नेक्स्ट आई ये -1620। ओके नेक्स्ट इसका डिफरेंस निकालेंगे आप, जिसको आप डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स कहें, तो इस -1080 में से माइनस का 909 माइनस करेंगे तो ये नेगेटिव में वैल्यू आएगी और नेगेटिव में ये बनेगा 171। अभी आप इसमें से ये वैल्यू माइनस करोगे तो ये बनेगा माइनस का 230। देखिए ये 11, 11 -8, 3 होगा और यहाँ रहेगा 2, 2 -0, 2 आएगा, 1 -1, 0। ये भी वैल्यू निकालोगे तो आप देखेंगे नेगेटिव में आएगा, 0 -0, 0 और 2 -1 करेंगे -1 आएगा, 6 -3, 3 रहेगा। ओके 1 -1, 0 आएगा। नेक्स्ट यहाँ डेल 4 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें, 230 में से 1711 माइनस करोगे तो 10 -1 किया 9 आया, लेकिन ये माइनस की वैल्यू बनेगी ना, माइनस का 230 ये क्या है, टर्म बड़ी है ना, तो नेगेटिव में वैल्यू आएगी और ये बनेगा 0 0, यानी 10 -1 9 आया, यहाँ 2 तो 12 -7 करेंगे ना 5 आएगा, 1 -1, 0 रह जाएगा। फिर इसको भी माइनस करेंगे तो ये आया 0 -0, 0, यहाँ 11 -3 करोगे तो 8 और यहाँ 3 यहाँ रह जाएगा, फिर अपने पास 2 -2, 0। ओके अभी इसको भी माइनस करोगे 80 -59 करोगे तो ये माइनस का 21 बचेगा, -21, बट ये वैल्यू होगी डेल 5 एफ ऑफ एक्स। ओके आपको क्या है, यू की वैल्यू निकालनी है, सिंस यू इक्वल टू x - x0/h, एक्स नॉट इज इक्वल टू आपको पता है, इसमें एक जो बड़ी से बड़ी जो चैन होगी ना उस चैन को आप सेट करोगे तो आपको बताया था इसमें कि किसी एक पॉइंट से दो पॉइंट की ओर जाते हैं इसमें, और एक पॉइंट से दो पॉइंट की ओर देखें तो आप देखें इस पॉइंट को अगर सेलेक्ट करें, इन सब में बीच वाला पॉइंट ये सेलेक्ट करें तो इससे दोनों तरफ जा सकते हैं आप, यहाँ फिर यहाँ से इस पॉइंट पर आ सकते हैं, फिर यहाँ से इन दो पॉइंट्स पर जा सकते हैं आप। ओके यहाँ से इस पॉइंट पर आ सकते हैं, एक्स की वैल्यू हो गई। अभी हम यू की वैल्यू के बारे में बात करें तो इसके जो वैल्यू रहेगी ना, इसके सामने ये 0, ऊपर -1 -2 तो नीचे आता है +1 +2। ओके 0 सेलेक्ट करने के बाद में ऊपर की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव और नीचे की जो वैल्यू होती है ना वो पॉजिटिव। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो शेयर करें। बोला करो कोई डाउट्स हुआ करे तो। नमन सोनम बता दिया करो जो भी प्रॉब्लम हुआ करे। ओके तो अब देखेंगे आप इसमें कि ये जो आपके सामने जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, हमने वो 4 तक लिखा है, कोई नहीं 4 तक भी कर दो, 5 आ गया ना कोई दिक्कत नहीं है, 4 तक भी कर सकते हो, 5th वाले को लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 5th वाले को लिखोगे तो पॉइंट के बाद थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा आंसर में, ठीक है ना, पॉइंट के बाद वो भी पॉइंट के 2-3 अंक तक तो आएगा ही नहीं, पॉइंट को 2-3 अंक तक तो सेम रहेगा। आप इसको सॉल्व करें और उसके लिए आप एक्स नॉट की वैल्यू डिसाइड करें, तो एक्स नॉट की वैल्यू हो गई यहाँ 30, जो पॉइंट आपने फिक्स किया है उसके सामने जो एक्स में वैल्यू होती है ना वो हो गई 30। एंड एक्स की जो वैल्यू है ना, आपसे जो वैल्यू पूछी है आंसर जिस पॉइंट पे पूछा है वो कहा है आपसे, इसने क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि यूज स्टर्लिंग फॉर्मूला टू फाइंड F28, मतलब 28 पर वैल्यू पूछी है, यानी एक्स इज इक्वल टू 28। आप इसमें से
आप इसमें से u की वैल्यू निकालें, एम्प्लाइज u इज इक्वल टू, देखेंगे आप x की जो वैल्यू है ना वो है 28, माइनस x नॉट की वैल्यू है यहाँ 30, और जो h की वैल्यू है ना, h की वैल्यू देखोगे इसमें डिफरेंस कितना है 5 का है ना, तो 5 से डिवाइड करोगे ये बनेगा यहाँ माइनस का 2 अपॉन में 5 इक्वल टू माइनस 0.4। एक बार दोबारा से जाना है इसको, ये स्टर्लिंग फार्मूला है, यहाँ आपके लिए वैल्यू दे रखी है एफ ऑफ 20 पे 49225, एफ 25 पे दे रखी है 48316, एफ ऑफ 30 की जो वैल्यू है 47236, एफ ऑफ 35 है 45926, ओके, एंड एफ ऑफ 40 इज इक्वल टू 44306। हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू है ना 20, 25, 30, 35, 40, इनको रखा यहाँ, और इसी के साथ साथ हमने फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू रखी, ओके। हाँ तो इसमें आप क्या करते हैं कि यहाँ जैसे कि आपके लिए स्टर्लिंग फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बाई यू की वैल्यू निकाली हमने, देखिए एक्स की वैल्यू 20, 25, 30, 35 और ये 40 ये लिखी ना, इनके करेस्पॉन्डिंग जो फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे लिए दे रखी है इनको भी लिख दिया। अब नॉर्मली जो फर्स्ट चैप्टर में आप डिफरेंस निकालते हैं ना, इस टर्म में से ये घटाएंगे तो ये बन जाएगा, ऐसे इन सब का डिफरेंस जो निकाला वो इनको यहाँ लिख दिया डिफरेंस निकालते हुए, एंड अगेन डिफरेंस लिया ये भी रख दिया हमने यहाँ, फिर भी हमने और भी डिफरेंस निकाला, डेल 5 तक वैल्यू आई और ये लास्ट डिफरेंस निकला माइनस का 21, ओके। अब अपन क्या करेंगे इसमें कि इसमें ये सेलेक्ट करते हैं चैन, यानी इस तरह से सेलेक्ट करते हैं कि लास्ट वाला पॉइंट है ना वो भी इंक्लूड हो जाए। तो इसमें अगर आप यहाँ से चलते तो स्टर्लिंग में क्या होता है, एक पॉइंट से दो की ओर चलते हैं, यानी इस तरह से डायग्राम बताया था ना आपको, ये वाला डायग्राम बताया ना आपको, इस तरह से स्टर्लिंग फॉर्मूले में आपको चलना होता है, यानी किसी एक पॉइंट से अन्य दो पॉइंट की ओर आपको चलना होता है, किसी एक पॉइंट से क्या है किन्हीं दो बिंदुओं की ओर चलते हैं इसमें। तो आप देखेंगे पॉइंट आपको फंक्शन ऑफ एक्स में सेलेक्ट करना है, अगर आप यहाँ से सेलेक्ट करते तो आपको क्या है पहले इधर जाना होता, फिर इधर, फिर यहाँ से इधर आते और इधर आते, यहाँ से ऊपर जाना होता यहाँ आते, लेकिन अब यहाँ कोई पॉइंट नहीं बचाना, ओके, और यहाँ भी नहीं पहुँचे हम, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, इस तरह की जो कंडीशन बनती है तो आपने फिर ये पॉइंट सेलेक्ट किया, देखा कि यहाँ से चले दो पे, फिर एक पे, फिर दो पे, फिर एक पे, तो ये लास्ट वाला भी पॉइंट क्या है, ये लास्ट वाला भी पॉइंट है ना, ये शामिल हो गया ना इसमें, और अगर ये शामिल हो गया तो इसको क्या है, इसके सामने वाली वैल्यू को क्या है एक्स नॉट कहते हैं, क्या कहेंगे इसको एक्स नॉट, ये हो जाता है बाई नॉट, ऊपर होगा ये बाई माइनस वन, ये होता है बाई माइनस टू, और ये होता है नीचे बाई वन, और ये होता है बाई टू। अब देखो बाई के सामने इधर देखेंगे तो ये बनेगा डेल बाई, डेल बाई नॉट, ये होगा डेल स्क्वायर बाई नॉट, ओके। ऐसे ये क्या है बाई माइनस वन है, तो ये डेल बाई माइनस वन, ये डेल बाई माइनस टू, ये डेल बाई डेल सॉरी ये एफ बाई माइनस वन है ना, तो ये डेल बाई माइनस वन, ये डेल स्क्वायर बाई माइनस वन, और ये डेल क्यू बनेगा, सॉरी ये आएगा यहाँ क्यू, और ये रहेगा 4, ओके। अब आप ये वैल्यू इस फॉर्मूले में रखें तो देखेंगे इसके सामने जो ये पॉइंट फिक्स किया है, इसके सामने एक यू और निकालते हैं, यू की वैल्यू है 0 फिक्स करते हैं, इससे ऊपर -1, -2, -3 चलते हैं, और 0 से नीचे 1, 2, 3, 4 ऐसे चलना होता है, तो ये यू की वैल्यू होती है। लेकिन आपके यू, आपने यू की यहाँ जो वैल्यू निकाली ना, यू इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच, तो ये निकली माइनस का 4। अब आप क्या करोगे, स्टर्लिंग फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे यूजिंग स्टर्लिंग फॉर्मूला। अगर आप इसमें स्टर्लिंग फॉर्मूले को यूज करोगे
तो ये रहेगा बाई यू, यू की वैल्यू है माइनस पॉइंट फोर, इक्वल में वैल्यू है ये वाई नॉट, वाई नॉट की वैल्यू ये हो गई ना 47326, 47326, और ये है अब यू, यू की वैल्यू है अपने पास माइनस पॉइंट फोर, माइनस पॉइंट फोर। इसके बाद डेल वाई नॉट प्लस डेल वाई माइनस वन, यानी डेल वाई नॉट की वैल्यू है अपने पास ये और डेल वाई माइनस वन की वैल्यू ये, इन दोनों को रखना है ना, इन दोनों को वैल्यू रखना और टू से डिवाइड करना है, यानी इन दोनों को ऐड करो और टू से डिवाइड करो, यानी माइनस वन जीरो एट जीरो, माइनस वन जीरो एट जीरो, साथ में ही माइनस का वन थ्री वन जीरो अपॉन में टू। नेक्स्ट प्लस यू स्क्वायर, यू की वैल्यू अपने पास माइनस का पॉइंट फोर है ना ये, तो यहाँ लिखोगे प्लस माइनस पॉइंट फोर स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू, और ये है यहाँ डेल स्क्वायर बाई माइनस वन। तो आप देखेंगे यहाँ डेल स्क्वायर बाई माइनस वन, डेल स्क्वायर के नीचे ये वैल्यू है माइनस टू थ्री जीरो इंटू में माइनस टू थ्री जीरो प्लस ये है इसके बाद यू, यू माइनस वन, तो यू की वैल्यू रखेंगे माइनस पॉइंट, देखिए यहाँ यू है ना, यू की वैल्यू है माइनस का पॉइंट फोर, ये है यहाँ माइनस पॉइंट फोर, फिर है यू स्क्वायर, तो ये आएगा माइनस का पॉइंट वन सिक्स, यानी माइनस का स्क्वायर प्लस होगा और पॉइंट फोर का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, फिर है ये माइनस वन अपॉन में फैक्टोरियल थ्री यानी सिक्स होगा इंटू, इंटू में जो वैल्यू आएगी वो है डेल फोर, डेल फोर की अपने पास वैल्यू है वो माइनस का 21 है, सॉरी ये वैल्यू रखी ना अभी, यहाँ तक फैक्टोरियल थ्री सिक्स हो गया, डेल क्यूब बाई माइनस वन प्लस डेल क्यूब बाई माइनस टू, यानी ये दोनों टर्म है, तो ये है माइनस 80 माइनस 59, माइनस 80 माइनस 59 अपॉन टू। इसके साथ में आप देखेंगे ये यू स्क्वायर, यू स्क्वायर माइनस वन है, तो यू स्क्वायर की वैल्यू आप माइनस पॉइंट फोर रखेंगे तो प्लस का पॉइंट वन सिक्स हो गया ना, फोर इंटू फोर, और ये आएगा यू स्क्वायर माइनस वन यानी पॉइंट वन सिक्स माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल फोर यानी 24 इंटू में माइनस टू थ्री जीरो, डेल फोर की वैल्यू, डेल फोर की वैल्यू माइनस टू 21, माइनस का 21, ओके ये वैल्यू रही माइनस का 21। तो आप सबके समझ में यहाँ तक आ गया होगा, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो शेयर करें, यहाँ तक अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट्स हो तो बताएं, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स हो तो बताएं, एक बार और रिपीट कर दो सोनम सिंसिनवार, अरे पहले भी तो रिपीट किया था सोनम तुम्हारे कहने पे, चलिए देखिए एक बार और रिपीट कर देते हैं। आप सभी देखेंगे इसमें स्टर्लिंग फॉर्मूला है, स्टर्लिंग फॉर्मूला आपको कल की जो मीटिंग थी उसमें बता दिया था, बाई यू इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू, डेल वाई नॉट प्लस डेल डेल बाई माइनस वन अपॉन टू प्लस यू स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू, यू स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू डेल स्क्वायर बाई माइनस वन प्लस यू, यू स्क्वायर माइनस वन प्लस यू, यू स्क्वायर माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री डेल बाई डेल क्यूब बाई माइनस वन प्लस डेल क्यूब बाई माइनस टू अपॉन टू प्लस यू स्क्वायर माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल फोर डेल फोर बाई माइनस टू। अब देखिए आपके लिए ये प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल फिफ्थ है आपके लिए, और इसमें आपको ये दे रखा है एफ ऑफ 20 पर वैल्यू है 49225, एफ ऑफ 25 पर वैल्यू है 48316, 30 पर वैल्यू है 47236, 35 पर वैल्यू है 45926, एपो 40 पे जो वैल्यू है 44306, ये वैल्यूज हैं। अब आपको क्या है, जो x की वैल्यू है ना, x की वैल्यू हो गई है 20 25 30 35 40, तो ये x की वैल्यू रखी हमने। अब आप इसमें क्या करोगे, अगर ये x की वैल्यू है तो फंक्शन ऑफ x की वैल्यूज निकालनी है हमें, और फंक्शन ऑफ x की जो वैल्यूज हैं इनको निकालने के लिए ना, यानी फंक्शन ऑफ x की जो वैल्यूज हैं उनको वो क्या है कि यहाँ दे रखा है, ये निकालनी भी नहीं है, दे रखे हैं ये सीधे 49225 यहाँ रखा, 25 पर 48316 ये सब वैल्यू रखी हमने,
अब नॉर्मली जो डिफरेंस निकालते हैं ना आप, चैप्टर फर्स्ट में निकाला था, सेकंड में निकाला था, जहां जरूरत पड़ी थी उसके अकॉर्डिंग, इसमें से यानी 48316 में से 49225 माइनस करोगे तो ये माइनस का 909 आएगा ना, ऐसे इसमें से ये माइनस किया तो ये बन गया, लास्ट वाले में से उससे ऊपर वाली वैल्यू को माइनस किया ये आया, ऐसे ये डिफरेंस निकाले अगेन, माइनस 1080 में से माइनस किया हमने ये माइनस का 909 ये बन गया, ऐसे इसका डिफरेंस ये बना, इन दोनों का डिफरेंस ये बना, और माइनस 230 का और माइनस 171 का डिफरेंस ये आया। अरे नॉर्मल ये टेबल तो पहले ही बनाते थे ना, ये टेबल बनाने में किसी को कोई डाउट है तो बताओ, टेबल बनाने में किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं टेबल में? ओके, अगर टेबल में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आगे समझेंगे आप। तो फिर देखिए यहाँ यू की वैल्यू किस तरह से फिक्स करते हैं, जैसा कि आपको बताया हमने कि स्टर्लिंग जो फॉर्मूला होता है ना उसमें एक पॉइंट से अन्य दो पॉइंट की ओर चलते हैं, एक पॉइंट से दो बिंदुओं की ओर, ठीक है ना, लेकिन चलते कुछ इस तरह से हैं। चलते कुछ इस तरह से हैं कि लास्ट वाले पॉइंट तक जो भी दे रखा हो पहुंच जाए, एक पॉइंट हो तो एक पे पहुंच जाए, दो पॉइंट हो तो दोनों पे पहुंच जाए। ओके, तो आपने क्या किया, अगर यहां से आप इस पॉइंट को सेलेक्ट करते, अगर इस पॉइंट को सेलेक्ट करते तो यहां से दो पॉइंट इधर चलते, एक इधर चलते, फिर यहां से इधर चलना होता, यहां से इधर चलना होता, अब यहां से इधर जाते, यहां आते, यहां तो पॉइंट है लेकिन इधर कोई पॉइंट नहीं है, और फिर अपना ये लास्ट पॉइंट ये और रह जाएगा, क्योंकि आगे चलते तो इधर जाते और इधर से इधर आते, यहाँ कोई पॉइंट होता तब तो कुछ कर सकते लेकिन वहां कोई पॉइंट है नहीं, तो यहाँ है पॉइंट, इसीलिए हमने इसको सेलेक्ट नहीं किया, क्योंकि लास्ट वाले पॉइंट माइनस जो 21 है ना इस तक नहीं पहुंच पाए हम, तो फिर इसके अकॉर्डिंग नहीं जा पाए, तो फिर नीचे वाला सेलेक्ट करो। तो आप देखेंगे यहां से एक पॉइंट से दो पॉइंट की ओर गए, फिर दो से ये माइनस 230 पे, फिर यहाँ से माइनस 59 और ये माइनस 80 पे, इसके बाद में इससे माइनस 21 पे पहुंच गए, यानी लास्ट वाले पॉइंट तक हम पहुंच गए। इसका मतलब हुआ कि अगर आप लास्ट वाले पॉइंट तक पहुंच गए तो इसके सामने जो वैल्यू सेलेक्ट की थी ना आपने, इनिशियल पॉइंट जो लिया था, इसके सामने की वैल्यू को आप एक्स नॉट डिनोट करोगे। अब एक्स नॉट के जो सामने है यू की वैल्यू निकालनी है, एक्स नॉट के सामने क्या यू जीरो मानोगे, और यू जीरो मानोगे तो इससे ऊपर वाली जो टर्म होंगी ना या ऊपर वाले स्टेप है ना उनको तो क्या है, यू की वैल्यूज को ऊपर वाली जो है उनको माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर ऐसे ही चलते माइनस इनफाइनाइट की ओर, नीचे जो वैल्यू है 0 1 2 3 4 इस तरह से चलते। ओके, अब आपको करना क्या है, इसमें यू की वैल्यू हो गई, यहाँ यू की वैल्यू हो गई, एक्स की वैल्यू हो गई और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हो गई, और ये डिफरेंस टेबल भी बना लिया। अब हम क्या करेंगे कि अपने पास जो वाई यू की वैल्यू है ना, ये जो फॉर्मूला है इसमें U की वैल्यू निकाली, क्योंकि यहाँ U काम में आ रहा है ना। अब U के लिए आपको स्टार्टिंग में बताया U इज इक्वल टू X माइनस X नॉट अपॉन H होता है, फॉर्मूले में ही बता दिया था आपको। अब अगर U की वैल्यू X माइनस X नॉट अपॉन H है तो आप देखेंगे यहाँ X नॉट का मतलब हुआ, देखो आपने जो पॉइंट फिक्स किया था उसके सामने जो वैल्यू थी उसको X नॉट कहा, X नॉट की वैल्यू है 30, X नॉट की वैल्यू होगी 30, आपसे वैल्यू पूछ रहा है वो 28 पर, यानी X इज इक्वल टू 28 पर क्या वैल्यू निकालनी है, तो X की वैल्यू हो गई 28। अब हम बात करेंगे इनके डिफरेंस की, तो डिफरेंस देखेंगे आपकी जो डिफरेंस है ना वो है आपका 20, 25, 30, 35, 40, यानी 5-5 का डिफरेंस है, तो एच की जो वैल्यू रही ना यहाँ, एच की वैल्यू है वो क्या है 5 है, तो आप देखेंगे यहाँ यू इज इक्वल टू होता है एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच, एक्स की वैल्यू 25, एक्स नॉट की वैल्यू 30 अपॉन एच की वैल्यू 5, तो ऊपर रहेगा ये माइनस 2 अपॉन 5, 5 से माइनस 2 को डिवाइड करेंगे माइनस का 0.4 टाइम। ओके, अब यूजिंग स्टर्लिंग फार्मूला, आपने क्या किया स्टर्लिंग फार्मूले में बाई नॉट की वैल्यू है ना, देखो बाई नॉट तो बाई नॉट एक्स नॉट के सामने जो वैल्यू होगी वो बाई नॉट की होगी, तो बाई नॉट की वैल्यू रख दिया, फिर यू यू की वैल्यू आप निकाल चुके हैं ना पहले ही माइनस का 0.4, तो यू की वैल्यू माइनस 0.4 रख दी, ये देखिए माइनस का 0.4, फिर क्या है अपने पास डेल बाई नॉट डेल बाई, यहाँ डेल बाई नॉट प्लस डेल बाई माइनस 1 को 2 से डिवाइड करना है, तो देखो ये बाई माइनस वन है ना, तो ये डेल के सामने देखो ये डेल बाई माइनस वन होगा, बाई नॉट है तो इसके लिए ये क्या होगा डेल बाई नॉट, तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, इन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो, तो यही हमने यहाँ लिखा है। ओके,
ऐसे ही डेल स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, माइनस 230। तो यहाँ u की वैल्यू तो माइनस का 0.4 है और डेल स्क्वायर की वैल्यू है माइनस 230, तो यहाँ डेल स्क्वायर की वैल्यू रख दी अपने माइनस 230। ऐसे ही क्या ये सभी मान रख दिए हैं। बोलिए किसी को अब कोई डाउट्स है क्या यहाँ तक ये वैल्यू रखने में? हाँ ये वैल्यूज रखने में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। सोनम ठीक है, अब देखिए, ओके नमन पांडे ठीक है। तो अब क्या है कि इसमें देखो इसकी कैलकुलेशन करनी है, जो बाई माइनस 0.4 है ना, इसकी फाइनली जो कैलकुलेशन, जैसा कि आपको बताया है कि आपको एग्जाम के लिए कैलकुलेटर लाना होगा, कैलकुलेटर पर प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे आप अपना मोबाइल चलाते हैं ना, उस मोबाइल पर भी आप प्रैक्टिस करते हो, तो आपको पता है मोबाइल पर जो कीपैड होता है बहुत अच्छे से आप टाइप करना सीख जाते हैं। वैसे ही आपने देखा होगा कि कंप्यूटर की टाइपिंग या नॉर्मली कोई भी टाइपिंग हो उसके लिए सबके लिए आदत होती है, ऐसे ही वहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ कुछ आपको स्पेशल फंक्शन होंगे उनके बारे में बताया जाएगा, इसीलिए आप सभी कैलकुलेटर खरीद लें क्योंकि हमें क्वेश्चंस में ज़रूरत पड़ेगी। तो मोबाइल से काम नहीं चलेगा वहाँ, ओके मोबाइल से काम नहीं चलेगा और ना ही मोबाइल से चलाना है क्योंकि एग्जाम में फिर आपको प्रॉब्लम आएंगी बहुत सारी। अभी अगर मोबाइल से काम चला भी लें तो वहाँ कहाँ शिफ्ट होता है, कहाँ ई की पावर होता है, कहाँ पाई लगाना है, कैसे पाई काम करेगा, कैसे पावर लगेगी, ये सब वैल्यूज आप नहीं समझ पाओगे। इसीलिए क्या है आपको एक कैलकुलेटर तो खरीदना ही है, ओके। तो देखिए इसकी जो फाइनल वैल्यू बनेगी, यहाँ इसका जैसे ही आप कैलकुलेशन करोगे तो ये इस प्रॉब्लम की जो कैलकुलेशन बनती है वो आती है 47692, ओके 47692, ये इसकी कैलकुलेशन बनती है। अब आपको करना क्या है इसमें कि इस टाइप की और भी प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ोगे। अब एक मेथड और बचा है और वो रह गया है बेसल। तो अब आपको बेसल फॉर्मूले पर डिपेंड एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आप इस मीटिंग को क्या है रिजॉइन करेंगे, ओके।